नमस्ते, आज हम जानेंगे स्क्वाट्स के बारे में। स्क्वाट्स के हम कुछ लेवल्स देखेंगे और करेक्ट मेथड से स्क्वाट्स कैसे किया जाता है ये भी हम देखेंगे, और गलतियां हमें कहाँ नहीं करनी है और क्या गलतियां नहीं करनी है ये भी हम देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना। स्क्वाट्स एक बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव एक्सरसाइज है। ओके, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्क्वाट्स कैसे करते हैं ये देखेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं आपको बताऊंगी करेक्ट मेथड से स्क्वाट्स कैसे किया जाता है। दोनों पैरों में 1 मीटर का डिस्टेंस लेना है। मैं इस साइड से बताती हूँ। फर्स्ट हम देखेंगे स्क्वाट्स की फर्स्ट लेवल। फर्स्ट लेवल में आपको क्या करना है, कमर को सिर्फ थोड़ा सा बाहर निकालना है इस तरह से। ओके, और दोनों हाथों को ऐसे सामने रखना है और हमें घुटने को बेंड करते हुए नीचे झुकना है ऐसे। ये है हाफ स्क्वाट्स। बिगिनिंग में आप ये कर सकते हैं। कमर को बाहर निकाला, स्पाइन को स्ट्रेट रखा, शोल्डर स्ट्रेट होनी चाहिए, स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। हम हाफ स्क्वाट्स में इतना ही बेंड होंगे। फर्स्ट लेवल में और बिगनिंग में आप इतना ही ट्राई करें। अब हम देखेंगे सेकेंड लेवल। सेकेंड लेवल में आपको क्या करना है, हमारे हाथ की पोजीशन ऐसे ही रहेंगी और कमर थोड़ी सी बाहर रहेगी। हमें फर्स्ट लेवल से थोड़ा ज्यादा बेंड होना है सेकेंड लेवल में। वन टू थ्री फोर, स्पाइन स्ट्रेट, दोनों हाथ सामने। फर्स्ट लेवल की प्रैक्टिस होने के बाद आप ये सेकेंड लेवल ट्राई करें। और थर्ड लेवल में हमें और ज्यादा बेंड होना है। ये देखिए इतना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। आप थर्ड लेवल में वेट के साथ भी कर सकते हैं। जो बिगनर्स हैं वो फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल इस तरह से ट्राई करें। और अगर आपको वेट के साथ करना है तो प्रैक्टिस होने के बाद ही आप वेट के साथ ट्राई करना। फर्स्ट आप ऐसे ही ट्राई कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज बहुत इफेक्टिव है वेट लॉस के लिए, हमारे बोन की स्ट्रेंथ अच्छी बनाने के लिए, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए, हमारे मसल स्ट्रॉन्ग करने के लिए। स्क्वाट्स में पूरे बॉडी की एक्सरसाइज होती है। और भी इसके बहुत सारे फायदे हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तो आप भी स्क्वाट्स जरूर सीखिए और अपनी बॉडी को, मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाइए। तो चलिए हम जानते हैं कि गलतियां कहाँ हो सकती है। एक तो बहुत लोग क्या करते हैं कि डिस्टेंस एक तो कम लेते हैं और बहुत ज्यादा लेते हैं। तो हमें इतना डिस्टेंस नहीं लेना है। हमें डिस्टेंस सिर्फ 1 मीटर का ही लेना है। नहीं, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज्यादा डिस्टेंस और बहुत कम डिस्टेंस नहीं लेना है। ओके, बहुत लोग ये गलतियां कर सकते हैं। अपने हाथों को सीधा सामने नहीं रखकर वो शोल्डर को फोल्ड करते हैं या स्ट्रेट नहीं रखते। फिर जब हम स्क्वाट्स करते हैं तो हाथों को अपने थाइस पे रखते हैं और इस तरह से करते हैं। फिर बहुत लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। फिर हाथों को पीछे की तरफ ले जाके इस तरह से भी कर सकते हैं। तो हमें ऐसी गलतियां नहीं करनी है। स्क्वाट्स करना है और कोई भी एक्सरसाइज करनी है तो ठीक तरह से रूल्स फॉलो करते हुए और करेक्ट मेथड से ही करें। नेक्स्ट गलती ये हो सकती है, जब हम नीचे झुकते हैं तो हमारे
पैर ग्राउंड पे होने चाहिए, ना कि हवा में इस तरह से हील्स को ऊपर उठाना है। जब आप हील्स को ऊपर उठाएंगे तो आपके स्पाइन पे बहुत प्रेशर आ जाएगा, पैरों पर ज्यादा बहुत प्रेशर आ जाएगा, तो इसके तो ऐसा गलत तरीके से करने से आपको इंजरी भी हो सकती है। तो इस तरह से ना करें, दोनों पैरों को ग्राउंड पे ही रखें, हील्स को ग्राउंड पे ही रखें। ओके, तो इस तरह से हील्स को ऊपर नहीं उठाना है। तो गाइस, ये थे स्क्वाट्स में ये गलतियां हो सकती है, तो इस गलतियों को अवॉइड करें, करेक्ट मेथड से स्क्वाट्स करें और स्क्वाट्स के फायदे उठाइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्वाट्स हमें कितना करना चाहिए? 15 टू 20 स्क्वाट्स के सेट बनाकर आप हफ्ते में 3 बार स्क्वाट्स कर सकते हैं, इतना इनफ है। तो स्क्वाट्स कीजिए और स्क्वाट्स के फायदे उठाइए। तो आज के लिए बस इतना ही, हमेशा खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।